हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगो बना के दिखाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कोरल के सारे ऑप्शन बता चुके हैं, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो टूल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर भी जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो आज चलो आपको लोगो बना के दिखाते हैं। लोगो आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं, अपना खुद का लोगो बनाना है या आपने किसी और का लोगो बनाना है जो कॉमन है, जैसे व्हाट्सएप का, स्टार प्लस का, एप्पल का या कोई और। चलो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप का लोगो बना के दिखाता हूँ आपको मैं। व्हाट्सएप का लोगो बनाने के लिए आपको सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इक्वल आपने ये ड्रॉ करना है। इसमें कोई भी वो मिस्टेक मत करना, मतलब लंबाई चौड़ाई इक्वल रख लेना। इक्वल रखने के लिए क्या करोगे आप, जैसे आप यहाँ पर 10 डाल दो, 10 नीचे भी 10 डाल देना, ठीक है। तो ये इक्वल शेप में आ जाता है। अब इसके बाद दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये राउंड राउंड ही होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि लंबाई चौड़ाई में इसके कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, इसके अंदर यहाँ पर एक शेप ऐड करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बनी बनाई होती हैं। आप यहाँ पर आओगे, इनमें से आप कोई शेप जैसे कि लेने को तो ये भी ले सकते हो आप, चलो इसी को ले लेते हैं। अब ये शेप है, इसको आप सेलेक्ट टूल करोगे और कन्वर्ट टू कर्व में इसको बदल लो आप कंट्रोल प्लस क्यू करके, या आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल प्लस कर्व कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप इसको थोड़ा रोटेट कर लेना, क्योंकि आपने ना वो पॉइंट बनाना है इसका, और इसको यहाँ से उठा के इस प्रकार की शेप दे देना, यानी ट्रायंगल बनाना है आपने इसका। और ऐसा बना लेना जो ठीक लगे, लगा होगा, और जहाँ तक हमें ठीक लग रहा है कि यहाँ बन गया होगा। अब आपने इसके ऊपर अटैच करना है, ठीक है। अटैच कहाँ करोगे वो लोकेशन भी आप ठीक से देख लेना, गलत जगह लगाओगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, सही जगह लगाओगे ठीक लगेगा। तो आपने मान लेते हैं यहाँ पर ये ठीक लग रहा है, नहीं यहाँ पर ठीक लगेगा ये, चलो यहाँ पर लगा। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख लेना, जरूरी नहीं है जैसी मैं ले रहा हूँ ऐसे ही आपने लेनी है। अब दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से वेल्ड कर देना इसको, ये वेल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार की शेप आ जाएगी आपके पास। और मुझे ये सर्कल नहीं लग रहा, मतलब गोल नहीं लग रहा, लेकिन गोल है प्रॉपर्टी में, तो गोल है, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में आना है, टेक्स्ट में इंसर्ट करेक्टर, इंसर्ट करेक्टर में यानी बनाए बनाए, वो फोन का सिंबल नहीं होता, वो बनाना नहीं, आपने बना बनाया मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपने लिखना है वेब डिंग, DING वेब डिंग, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने सबसे नीचे वाले में आना है, इन नंबर पे, यानी 6530 या 6520 इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक कर दिया तो ये सिंबल आ जाते हैं आपके यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा सिंबल अब आपने लेना फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर आपको एक फोन का सिंबल मिलेगा जो आप बड़ी आसानी से ये वाला देखो इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, जहां पर आपका कर्सर है ये वहां पर आ गया होगा। कर्सर है कहां पर है आपका, कर्सर देखते हैं हम पहले, हमारा कर्सर है कहां पर है, ये रहा था कर्सर यहां पर, हम गलत जगह ड्रॉइंग बना रहे थे, इसको उठा के यहां लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पर इंसर्ट हो चुका है, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, शायद ना दिखाई दे रहा हो, बड़ा कर देता हूँ। अब हमने ये इंसर्ट कर लिया यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज सेट कर लेना और इसको रोटेट करना, ऐसे जैसे आपको लगाना आप लगा लेना। सेटिंग देख लेना किस हिसाब से ठीक लगेगा, मैं तो बिना देखे बना रहा हूँ, आप देख के बना लेना कि ऐसे रहता है कैसे रहता है। और अब इसके अंदर कलर करना है हमने, कलर ग्रीन टाइप ही होता है, लेकिन ये वाला वो वाला ग्रीन नहीं है, आप यहाँ से फिल कर लेना इसमें अपने आप मिला के, क्योंकि
कि कौन सा आपने कलर इसमें फिल करना है। थोड़ा येलो सी शेड होती है, आई थिंक ये वाली शेड होती है, देख लेना कौन सा कलर है, मुझे तो ये लग रही है यही होती होगी, या लाइट डार्क और भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। हर एक के फोन में थोड़ा अजीब अजीब तरीके का दिखता होगा, इस टाइप की होगी चेंज, थोड़ा कलर में कुछ चेंज आ रहा, कोई बात नहीं। अब इसको आपने व्हाइट कलर करना है, ये व्हाइट कलर हो जाएगा। और अब क्या करना है, बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है ना आपने, यानी जो आउटलाइन होती है, वो थोड़ा मोटी करनी है, जितनी हो सके, जितनी नहीं जो ठीक लग सके, हाँ इतनी कर लेनी है। और अब इस आउटलाइन को आपने कलर देना है वाइट का। कलर कैसे दिया जाता है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर पे आके वाइट हो गया, लेकिन अब आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, या आप यहाँ से भी कलर वाइट कर सकते हो, यहाँ से वाइट पे क्लिक करना है यहाँ पर और ओके कर देना है, ठीक है। अब वाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा, अब आप इसकी शेडो लोगे, शेडो आप यहाँ से लोगे ड्रॉप शेडो, ठीक है, और पूरी पूरी शेडो ले लेना इसके ऊपर, ये हमने शेडो ले ली और शेडो लेके छोड़ देना, छोड़ दिया हमने। अब इस शेडो को लाइट एंड डार्क कर सकते हैं हम ऐसे, थोड़ा ठीक लगे तो, अब ये ठीक लग रहा है, लग भी रहा होगा, व्हाट्सएप का बन गया होगा, ठीक है। बाकी आप खुद बनाना, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप इसमें, जरूरी नहीं ऐसा ही बनता है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, मैंने खुद तो बनाया नहीं है, ओ सॉरी मैंने देख के नहीं बनाया, मैंने अपने आप ही बना दिया वैसे ही। चलो एक लोगो ये हो गया, एक और बना के दिखाते हैं, स्टार प्लस का लोगो बनाना है। स्टार प्लस यानी पहले तो आपके पास बने बनाए स्टार होते हैं, यहाँ से आप स्टार शेप इंसर्ट करें, इसमें मिल जाएगी स्टार, हाँ इसमें मिल जाएगी आपके पास, आई थिंक ये वाला स्टार, हाँ ये वाला ठीक रहेगा। स्टार सेप इंसर्ट करने के बाद स्टार प्लस का बनाना है आपने, और कलर कर देंगे अब रेड कलर होता है इसमें। और अब करना क्या है, यहाँ से यहाँ पर आपने एक पट्टी लेनी है और कोई सेप इंसर्ट करोगे, कोई भी सेप ले लेना, जैसे ये बनी बनाई सेप होती है, जैसे जैसे इसमें ली थी व्हाट्सएप में ली थी, तो यही वाली सेप हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। यहां से क्लिक करना है और इसे ही ले लो, कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हमने ये वाली सेप ली, ये सेप लेने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व में, यानी आप, मैंने कंट्रोल प्लस क्यू कर दिया, आप यहां से भी इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस शेप को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा भी आपने रखना है, ठीक है। तो रखना कैसे होता है वो मैं बता देता हूं, यहां पर आपने इसको लेके आना है, लेके आओगे और इसको अब कोई कलर कर लो इसमें, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ चल रहा कहाँ नहीं। अब इसको इस हिसाब से आप सेट करोगे, ये यहां होता है स्टार प्लस का, तो मुझे भी नहीं याद है कैसे दिखता है, तुक्के मार के बना रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ दिखता है सही है, इतना तो मुझे ही पता है। तो ये देखो, ये आपकी शेप आ गई है, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, थोड़ा और चेंज करते हैं इसके अंदर, यहां पर जूम कर लेना आप इसको पूरा, और अब आपने इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, सॉरी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, और ये तो हो गई। अब नीचे नीचे अब कहाँ तक है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर होता है इतना मुझे पता है, तो यहाँ देख लेना कहाँ तक करना है जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ तक आपने ये बना लिया, और अब यहाँ भी देख लेते हैं कुछ सेटिंग, यहाँ तो ठीक लग रही है मुझे, यहाँ कुछ और आगे तक होता हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये हमने सेप बना ली, सेप बनाने के बाद अब कुछ कुछ तो लगने लग गया, लेकिन और लगाते हैं इसको भी। अब इसकी जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन आप या तो हटा दोगे, हटा दो इसकी भी आउटलाइन, हटा दो आप, ठीक है। आउटलाइन कैसे हटती है, अगर आपको यहां से नहीं हटानी आ रही है, आपने सेलेक्ट करना है और यहां पर आके नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है इस पर, ठीक है, तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी। तो यहां तो अभी भी कुछ डाउट रहेगा आपका, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पूरी सिलेक्शन दी थी इसको। चलो
और अब इसको शेडो देंगे हम, शेडो यहाँ से शेडो जो जैसे व्हाट्सएप में दी थी, शेडो देने से ना थोड़ा लुक आ जाती है, दिखने लग जाती है आपकी चीज़। तो पूरी पूरी शेडो देंगे आप, ये आपने शेडो दे दी इसको, और इस शेडो को थोड़ा लाइट एंड डार्क कर लेना। जैसी भी आपने रेड कलर की देनी है, जैसे जिस भी कलर की आपने शेडो देनी है उसी कलर की आप दे सकते हो, रेड कलर की भी आती है, ब्लैक कलर की भी आती है। और अब इसको भी शेडो देनी है आपने, जो ये व्हाइट पट्टी है ना इसको भी आपने थोड़ा शेडो देनी है, और वो भी व्हाइट कलर की शेडो देनी है इसमें आपने। अब आपको ये व्हाइट कलर की शेडो कैसी आएगी, आएगी देखना अभी। यहाँ पर आपने व्हाइट कलर चूज करना है, और अब इसको यहाँ पर ऐसे इंक्रीज करना है इस चीज़ को, और ये आपका बन गया स्टार प्लस का लोगो। मेरे हिसाब से तो ठीक बना है, बाकी आपने कोई और चेंज करना है कर सकते हो आप, अभी तो बहुत सारी चेंजिंग है। अगर करना चाहें इसमें 3D इफेक्ट देना है तो आपने, तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये बन गया स्टार प्लस का लोगो। मैं आसान आसान बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आप भी बड़ी आसानी से बना सको, मुश्किल वाले लोगों नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और किसका बना के दिखाएं, गूगल क्रोम बना के दिखाएं, गूगल क्रोम बनाते हैं। गूगल क्रोम बनाने के लिए आपके पास, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, ये मेरे पास कोरल 12 है, इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसको, लेकिन फिर भी मुश्किल कुछ नहीं होता, कोशिश करें तो हर एक चीज़ बन जाती है। तो सतारा में इसको बनाना, यानी कोरल X7 में इसको बनाना बड़ा ही आसान है, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बनाएंगे इसमें भी हम। तो आपने सर्कल लेना है, सर्कल लेने के बाद इसकी कॉपी कर लेनी है और पेस्ट करना है, उसको छोटा कर देना है जितना हो सके, ठीक है। और दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सी प्रेस कर देना, कंट्रोल प्लस सी, सॉरी शिफ्ट प्लस सी, तो ये सेंटर में आ जाएंगे आपके। और इसका एक और कॉपी कर लो आप, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, और आपने ऐसे सेलेक्ट किया, और इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस सी कर दोगे, ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएंगे आप। तो ये आ गए हैं, मोटा पतला आप अपने हिसाब से ले लेना इसको। अब इसके अंदर आपने शेप देनी है, ठीक है। अब 7 में तो बड़ा आसान है, यहाँ पर आपने फ्री हैंड से लाइन लगा देनी है, लाइन लगाने के बाद यहाँ पर स्मार्ट स्मार्ट फिल होता है, उससे आप फिल कर सकते हो, बड़ा आसान है। लेकिन ये 12 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। इसको तो पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इसकी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा, रुको, पहले ना आपको इसको यहाँ से, इसको बाद में लेंगे, अंदर वाले को हम बाद में लेंगे, पहले हम इस वाले को और इस वाले को ट्रिम कर लेते हैं। देखो मैं कलर करके करा देता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने इसके अंदर कोई कलर कर दिया, कलर तो मैं वैसे कर रहा हूँ समझाने के लिए। दोनों को सेलेक्ट करके ट्रिम करना है आपने, ठीक है। तो ट्रिम करने से क्या होगा, इसको आप डिलीट कर दो, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको शेप देनी है, शेप कैसे देंगे अब वो क्रोम के हिसाब से देख लेना कैसी शेप आएगी। तो यहाँ पर दो रेक्टेंगल आपको लेनी पड़ेंगी, रेक्टेंगल की पोजीशन आप ऐसी रखोगे जैसे आपके क्रोम, पहले क्रोम का लोगो खोल लेना आप, और लोगो खोलने के बाद उसमें शेप देखना कैसी आ रही है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसकी हमने क्या है, हमने कटिंग करनी है। देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूं। हमने यहां पर ये शेप दे दी, और इसकी एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं, उसको कोई और एंगल देते हैं, आई थिंक ये वाला एंगल होता है,
आप लोगों को बड़ा ध्यान से देखकर तब ये शेप लेना कि आपने किस पोजीशन पे इसको सेट करना है, ठीक है। और शेप ऐसी लेना कि वो प्रॉपर आए। अभी मैं ले रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको। तो हमने अपने हिसाब से ले लिया, यानी मैंने अपने हिसाब से इस पे शेप लगाने की कोशिश तो की है, ठीक ही होगी, ठीक ही लग रही होगी, मुझे तो ठीक ही लग रही है। बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ना आए, सब कुछ आता है, सब कुछ पॉसिबल है। इसको थोड़ा यहाँ से कुछ सेटिंग कर देते हैं इसकी, यहाँ पर हमने ठीक लग रहा है मुझे तो, कुछ और चेंज करें, नहीं कुछ और चेंज तो रहने देते हैं, ठीक लग रहा है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, कटिंग कैसे करनी है बताऊंगा अभी आपको। आपने पीछे वाले को, येलो वाले को, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ट्रिम कर देना है। तो सॉरी, ये तो कुछ पीछे वाला हो गया, इसको और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने ट्रिम किया, शेड बैक करनी पड़ेगी इसकी बैक, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन अब तो ये करेगा ही नहीं जहाँ तक ख्याल है। दोनों को सिलेक्ट करना है, ट्रिम करना है, तो नहीं कर रहा, पहले ही ठीक था हमारा। शिफ्ट सेलेक्ट ट्रिम, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फिल करना पड़ेगा आई थिंक, फिल करके देखता हूँ मैं। सेलेक्ट किया, ट्रिम हो गया होगा, अब इसको उठा के रखते हैं यहाँ पर, हो गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, ट्रिम, ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, दोबारा देखते हैं, होगा जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसको सिलेक्ट किया, पीछे वाले को सिलेक्ट किया और यहां से ट्रिम कर दिया, हो गया, अब हुआ, यहां को सिलेक्ट, इसको हटाओ। तो ये देखो, ये हमने ये शेप लेनी थी, ठीक है। अब ये नीचे वाली शेप हम कटिंग कर देंगे इसकी, है तो थोड़ा मुश्किल है, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा लोगो बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आसान ही है, एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा आपको। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये चीज हट गई है। अब आपको ये इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। इनको आप डिलीट कर सकते हो, इनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने ये डिलीट कर दी। और इसको अब हम इसके अंदर सेट करने की कोशिश करेंगे, कैसे, केयरफुली उठाएंगे इसको और यहाँ पर आप इसको सेट करने की कोशिश करो। ये तो लग गया, ठीक ही लग गया। अब आपने इसकी कॉपी करनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और नहीं इसकी करनी है, गलत चीज सिलेक्ट होगी हमसे शायद। इसको सिलेक्ट करके यहाँ लेके आए हम, स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन कर लेना, आपका एक्यूरेट सही से बैठ जाएगा ही। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, यहां से स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। एक्यूरेट बिठा लेना इसके ऊपर, यानी सेट करना आपने, अच्छा ऑब्जेक्ट ये आपका बैक में है, इसको फ्रंट में करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है ना जो आपका, वो पीछे चला गया आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे चला गया है, इसको बैक करो, इसको हम करते हैं बैक, ठीक है। अब ये फ्रंट में आ गया, हाँ ठीक है, वो थोड़ा ठीक है, लग गया। अब इसकी आपने जो येलो कलर की शेप ली है, इसकी आप कॉपी करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब पेस्ट करना है
पेस्ट करने के बाद आपने डबल पेस्ट करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है ना यहाँ नीचे लेके आओगे बीच के अंदर, इसमें अपने आप आ जाएगा, सेट हो जाएगा ये, ठीक है। और अब आप इसको रोटेट करोगे ऐसे और यहां पर ऐसे छोड़ दोगे। देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं दोबारा फिर करके दिखाता हूं। हमने कॉपी करके पेस्ट किया, सेंटर पॉइंट को यहां पर लाके छोड़ा और इसको रोटेट करना है ऐसे और करते जाओ करते जाओ उसको यहां तक। ये आपका नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं। और आपने यहां तक इसको सेट कर देना, अभी कहां तक वो सेट हो रहा है आपका, यहां तक, ठीक है। अब आपने वापस से इसकी कॉपी करनी है, वापस से कॉपी करोगे इसकी, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सेंटर पॉइंट बीच में ही है। अब आपने इसको उठा के अब यहां पर रखना है ऐसे, देखो बिल्कुल सही बन रहा है आपका, हल्का सा फर्क आ रहा है, वो भी हम अब पूरा कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा और अब इसको हम इसके साथ मिला देंगे। आप सेफ टूल से आप इसको मिला सकते हैं इसके साथ, ठीक है, मिल गया। और इसको थोड़ा बाहर यहां पर थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप यहां पर इसको ना सेट कर देना, ठीक है, हो गया, बिल्कुल ठीक बना है। अब आपको कहोगे ये कैसा, ये तो पीला पीला हा बन गया, पीला नहीं बना। अब इसमें हम अच्छे अपनी इच्छा अनुसार इसको सिलेक्ट करो, आप इसमें शायद रेड कलर होता है, इसमें आई थिंक ग्रीन होता है और इसमें तो येलो होता ही है, ठीक है। और अंदर वाले में हमारे पास होता है ब्लू कलर, अंदर वाले में हमारे पास होता है ब्लू कलर, ठीक है। और फिर आपने इसको सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन हटा देनी है, ठीक है। और ये बन गया आपका लोगो, बिल्कुल परफेक्ट लोगो बना है ये, गूगल क्रोम का आपका लोगो हमने बना दिया। आप भी खुद प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो बैक करके देख लें और बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हो, बस आपने शेप अलग से निकालनी है। तो ये आपका गूगल क्रोम का लोगो बन गया। और किसका बना के दिखाएं, एप्पल का, एप्पल का लोगो बना के दिखाते हैं, इसको साइड में करते हैं। एप्पल का लोगो बनाने के लिए, एप्पल का लोगो भी बिल्कुल आसान है, एक सर्कल लेंगे जैसा भी आपको ठीक लगता है। सर्कल लेने के बाद आपने कन्वर्ट टू कर्व करना है, उसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद सेव टूल लेना है, इसको थोड़ा यहां से लंबा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर लेने के बाद और इसको थोड़ा यहां से दबा देना, थोड़ा लंबा ले लेना। और अब करना क्या है, बनी जाएगी ये शेप, एक बार में नहीं तो दो बार में बन जाएगी, कोई बात नहीं। अब आपने इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है और ऐसे बाहर निकालना है, इसको इधर लेके जाना है और हाँ बस इतना एरिया में ले जाके छोड़ देना, बस यहां पर आके इसको छोड़ देना है जितना ठीक सा लगता है। और फिर क्या करना है, फिर दोनों को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहां से वेल्ड कर देना है। ये वेल्ड आ गई, देखो एप्पल की शेप तो आई गई, आधी से ज्यादा तो आई गई। अब आपने यहां पर कुछ चेंज करना है, सेफ टूल लेंगे, सेफ टूल से क्लिक करना है यहां पर और इसको यहां से आप ये वाला सॉरी मेक नोड पे क्लिक करना है और इसके नोड आप यहां से थोड़ा कम कर दोगे, ठीक है। ये बन गई आपकी शेप। और यहां पर अगर आपको लग रहा है आपकी शेप ठीक नहीं है, मुझे तो ठीक लग रही है लेकिन आपको लगता है कि आपकी शेप यहां से ठीक नहीं आई है, ठीक है, तो आप इसको भी हल्की सी दे सकते हो, मुझे तो ठीक लग रहा है, वैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ठीक लग रहा है। लेकिन आप लोगों को लगता है तो आप यहां से अपनी इच्छा अनुसार सॉरी यहां पर आप क्लिक करोगे और ये नोड है, इनसे आप जैसे ऐसे देखो कम ज्यादा कर सकते हो, मैं हल्का सा करके दिखा देता हूं, ये अपनी इच्छा अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो इसको, ठीक है। अब ये शेप आ गई हमारी एप्पल की। अब हमने इसको कट करना है, कट करने के लिए आप ट्रिम का यूज कर सकते हो, एप्पल जो हमारा थोड़ा लंबा सा बना हुआ है लेकिन ठीक है, इतना भी बुरा नहीं बना है।
तो यहां से आप सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद आपने कितना बड़ा लेना है, यानी जितने की यहां पर आपने कट मारना है, कट लगाना है, उतना बड़ा आप देख लेना एक बार कितना है एप्पल के लोगों में, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है यहां पर आके, और यहां पर लगा के दोनों को सिलेक्ट करना है और यहां से ट्रिम कर देना है, और ये आपका यहां से बाइट कट होगी या कट होगी। अब आपने लीव्स बनानी है, उसकी पत्ती बनानी है ऊपर वाली, इसकी कंट्रोल डी कर लेंगे आप, यहां से इस प्रकार की आप लीव्स बनाओगे, इसको और इसको सिलेक्ट करना है और यहां पर इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो, यहां पर आपके पास लीव्स आ गई, यानी ऊपर जो पत्ती लगानी है आपने वो आ गई है, और जो भी आपने शेप देनी है उसको यहां से आप शेप दे सकते हो। ऐसे शेप देने के बाद अब आपने जहां पर इसको लगाना वहां पर लगा सकते हो आप इसको, और ये बन गया हमारा लोगो एप्पल का। थोड़ा अजीब लग रहा, तो आप देखो मैंने कटिंग जो है, कटिंग में शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, यहां पर कटिंग अंडू कर देते हैं, ठीक है, अंडू कर देते हैं हम, मैंने कुछ ज्यादा काट दिया इसको बेचारे को, थोड़ा काटते हैं कटिंग, देखो कटिंग ज्यादा हो रही है कम हो रही है, देखो एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ 80-90% तो बना ही सकते हैं। अब ये यहां पर इस टाइम ये कटिंग है, अभी भी ठीक ही लग रहा है। डी करेंगे, लीव्स निकाल लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके और ट्रिम कर लो, इंटरसेक्ट कर लो, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा वैसे आपको, यहाँ पर दोनों को डिलीट करके इसको शेप देंगे, शेप देने के बाद इसको जहां मर्जी आपने उठा के रखना वहां पर रखोगे और उसके अंदर कोई कलर कर दोगे, और ये बन गया आपका एप्पल का लोगो, ठीक है। और अब कौन सा बना के दिखाएं, अब हम आपको सिखाते हैं एडिडास का, जो कि बड़ा आसान है एडिडास का लोगो बनाना। एडिडास का लोगो देखो दो प्रकार का होता है, मैं दोनों प्रकार के दिखा देता हूं कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। पहले तो सर्कल लेना एक, इसके डुप्लीकेट लेना एक, और यहां पर इसकी लीव्स निकालना है, मतलब लीव्स निकालनी है अपने एडिडास वाली, और इंटरसेक्ट करना है यहां पर, इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पास ये निकल के आ जाएगी, ठीक है, हमें इसकी जरूरत होती है, इनको बेसिक से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब इसमें ब्लैक कलर होता है, और इसकी एक कॉपी लेंगे हम, कॉपी यहां से कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, और इसको बाहर निकाल देंगे, निकली नहीं, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, हाँ निकल गई, ठीक है, और इधर भी एक कंट्रोल प्लस वी, एक इधर निकाल देंगे। अब इसको हम एंगल देंगे, दोनों को एंगल पे सेट करना है, ठीक है, एंगल पे कैसे सेट करोगे, आपने ऐसी कोई पोजीशन दे देनी है इसको, जूम करके कर लेना अगर ठीक से ना बन रही है तो, और इसको उठा के आप ऐसे रखोगे, देख लेना एडिडास का लोगो कैसा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आप ये ऐसे लगाओगे, हाँ, लेकिन जो लुक इसकी रहेगी वही लुक इस वाले की रहेगी, ऊपर नीचे छोटा बड़ा मत करना, ठीक है, तो थोड़ा इक्वल लग सकता है। ज्यादा हेल्प के लिए आप गाइडलाइन ले सकते हो, गाइडलाइन यहाँ से आप, यानी आपको इससे पता लग जाएगा कि हाँ, जैसे इससे आप टच कर लो इसको, इसे टच कर लिया, इसका तो वैसे से ना करो, और इसको यहां पर ऐसे टच करो, तो ये आपकी शेप बन गई है, कुछ 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 तो बनी गई है, बाकी आप देख लेना। थोड़ा तबीयत खराब चल रही है हमारी, मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आपको लगता है तो आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, मुझे कुछ कुछ लग रहा है, बाकी आप देख लेना।
ठीक लग रहा है, इतना तो बुरा नहीं लग रहा। वो तो जब पट्टियां लगेंगी ना इस पे व्हाइट कलर की, आपने बढ़िया लगने लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसे दो तीन लाइन ले लेना और इनको इक्वली आपने लगाना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आप लेके जाओगे थोड़ा नीचे। ठीक है, और फिर कंट्रोल डी कर दोगे। नहीं हुआ, नहीं कोई बात नहीं, कुछ कुछ लुक आ रही है। अब सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम कर देना, ट्रिम करने के बाद डिलीट कर देना। हाँ नहीं हुआ, दोबारा फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर देना, वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद इन सब को सेलेक्ट करना है और ट्रिम करना है, और अब उठाना है यहाँ से, और बन गया आपका। लेकिन यहाँ कुछ डाउट्स हो रहा, यानी क्या डाउट हो रहा है, दोबारा फिर देखते हैं। ये चलने में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे? इसको सेलेक्ट करना है और आई थिंक ग्रुप है ये, सबको सेलेक्ट करके ट्रिम कर देना है। यदि ट्रिम से नहीं हो रहा तो आप आउटलाइन हटा देना है इसकी। चलो नहीं हो रहा, एक और तरीका हमारे पास, इनकी सब की आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं और ये बन गया आपका। देखो ये एडिडास बन गया, या नीचे एडिडास लिख देना आप, सिंपल जो लिखते हैं एडिडास। कहाँ लिखा गया, वो छोटा ही लिखा गया है, तो एडिडास। बाकी छोटा बड़ा आप देख लेना, ये छोटा होता है आपका, ये यहाँ से आप इसको लोअर में कर कन्वर्ट कर लेना, चेंज केस में लोअर। ठीक है, इसके नीचे आप लगा देना। ये हमारा एडिडास का बन गया। और एक और होता है एडिडास का, उसमें आपको कुछ इस प्रकार की रेक्टेंगल लेनी पड़ेगी, तीन सेम साइज की। कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है, कॉपी भी कर सकते हो आप, और इनको आपने सेट करना है। अब ब्लैक कलर कर देना इनको, ब्लैक कलर करने के बाद फिर थोड़ा ऊपर नीचे सेट करना है। ऊपर नीचे कैसे, थोड़ा सा ऐसे, यानी ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए और ये भी थोड़ा ऐसे ऊपर निकला होना चाहिए। ठीक है, और तीन ही होती है जहां तक मेरा ख्याल है, लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख लेना, छोटी बड़ी। अब करना क्या है, सभी को ग्रुप कर देना है। ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद आपने इसको रोटेट करना, थोड़ा रोटेट करना है इस हिसाब से कि ये लगे। अब रोटेट करने के बाद एक सिंपल रेक्टेंगल लेनी है, सिंपल रेक्टेंगल लेके आप उसकी कटिंग कर दोगे यहाँ पर। और कटिंग जो है, हमने ज़्यादा रोटेट कर दिया, हमने ज़्यादा रोटेट कर दिया है, तो इसको अब हम सही कर लेंगे कि कितना रोटेट करना था कितना नहीं करना था। आई थिंक ज़्यादा कर दिया, सेटिंग ही ठीक से नहीं आ रही है हमारी। लेकिन ये लाइन तो सीधी होती है, तो मुझे पता है। चलो इसमें कोई दूसरा कलर कर दो, सेलेक्ट करो और यहां पर ट्रिम कर दो।
और इसको डिलीट कर दो और ये आपका लोगो आ गया एडिडास। और अब इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और उठा के यहाँ नीचे लगा दो। साइज अपना देख लेना आप, छोटा बड़ा, इसका थोड़ा बड़ा होता है। देखो हमने आपको लोगो बनाने सिखाए हैं दो तीन, खुद प्रैक्टिस करना, आपसे ही बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। वीडियो को देख के एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। थोड़ा हमसे वो रोटेशन आ रही है उसमें। लोगो तो बहुत सारे हैं, मैं एक एक बनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, किस किस का बनाऊंगा किस किस का नहीं, मुझे नहीं खुद ही ध्यान कि मैं आपको इसका बना के दिखाऊं या उसका बना के दिखाऊं। फिर भी आपको लगता है कि उस चीज का मैंने लोगो नहीं बनाया तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, सर इसका लोगो नहीं बनाया तो मैं उसी का लोगो आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी लोगो बनाना मुश्किल नहीं है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं तो इसी तरीके से लोगो बनाए जाते हैं। ड्राइंग बनानी है आपने, टूल आपको सिखाए गए हैं, उन टूल का यूज करके आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग या किसी भी प्रकार के लोगो बना सकते हो। तो ये कुछ लोगो थे मैंने आपको बना के दिखाए हैं, इनकी जरूरत पड़ जाती है, कई बार बोल दिया जाता है कि इस प्रकार का लोगो बना के दिखाओ या इस प्रकार की ड्राइंग बना के दिखाओ, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो बनाना जरूर और प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो को देख के। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे हम जैसे फ्लैक्स बोर्ड, विजिटिंग कार्ड और शादी कार्ड, ये कैसे बनाए जाते हैं, आई कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।